मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो विषय चल रहा था वो था लोक प्रशासन। लोक प्रशासन बीए ऑनर्स पार्ट वन राजनीति विज्ञान पेपर फोर्थ और एमए प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर फोर्थ एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर है। तो लोक प्रशासन विषय में हमारा जो विषय चल रहा था वो था लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति में दो विचारधाराएं विद्यमान हैं। दो विचारधाराएं थी, कौन कौन सी? पहली थी क्या लोक प्रशासन प्रबंधकीय है, क्या लोक प्रशासन एकीकृत है, मतलब प्रबंधकीय और एकीकृत विचारधारा, मैनेजरियल और इंटीग्रल कंसेप्ट। दूसरी थी क्या लोक प्रशासन विज्ञान है या क्या लोक प्रशासन कला है, वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस और वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट। तो पहली विचारधारा हमने कर ली थी, पहली विचारधारा थी प्रबंधकीय या एकीकृत, ये हमने कर ली थी। दूसरी विचारधारा का भी एक भाग हमने कर लिया था। दूसरी विचारधारा थी क्या लोक प्रशासन विज्ञान है, लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, ये हमने कर लिया था। आज हम करेंगे, आज हमारी जो विचारधारा है वो तो दूसरी विचारधारा का दूसरा भाग, क्या लोक प्रशासन कला है, वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट। लोक प्रशासन कला के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट। तो कला क्या होती है, क्या लोक प्रशासन कला है, क्या लोक प्रशासन को कला माना जाए, ये कुछ प्रश्न है जो हमारे सामने आते हैं। कला क्या होती है? शब्दकोश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, शब्दकोश के अनुसार कला क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। शब्दकोश के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, कला ज्ञान और अभ्यास के माध्यम से, ज्ञान और अभ्यास के माध्यम से किसी कार्य को करने की कला, किसी कार्य को करने की दक्षता या मानवीय कार्य क्षमता है। किसी भी कार्य को करने की दक्षता या मानवीय क्षमता है, मानवीय कार्य क्षमता है। तो कला क्या है? कला है ज्ञान और अभ्यास के जरिए किसी कार्य को करने की दक्षता या मानवीय कार्य क्षमता है। मानव जो कार्य करता है, जो उसमें क्षमता है कार्य करने की, वो कला है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। कौशल, अभ्यास और आकर्षण पर आधारित ज्ञान कला का पर्यायवाची माना जाता है। कौन? ज्ञान, कौशल, अभ्यास और आकर्षण। कौशल होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए और आकर्षण होना चाहिए, पर आधारित ज्ञान को क्या माना है? कला का पर्यायवाची माना है, कला का पर्यायवाची माना है। कला में क्या होता है? कला में सौंदर्य का बोध होता है, कला सुंदरता बताती है, कला में सौंदर्य का बोध होता है। जैसे चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, लेखन कला, वास्तुकला, वाद्य कला इत्यादि की भांति ही, इन सब कला की भांति ही लोक प्रशासन का संचालन भी एक कला ही है। जिस प्रकार चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला, वाद्य कला हैं जिनका संचालन किया जाता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का संचालन करना भी एक कला ही है। लोक प्रशासन का संचालन जो होता है उसे भी कला कहा जा सकता है। यद्यपि ये माना जाता है कि यद्यपि अधिकांश कलाकार जन्मजात होते हैं, मतलब पैदाइशी होते हैं, अधिकांश जो कलाकार होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, जन्मजात होते हैं, उनमें जन्म से ही प्रतिभा होती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि कला को परिमार्जित किया जा सकता है, कला को लिया जा सकता है, कला को परिमार्जित किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रशिक्षण, अभ्यास और समुचित मार्गदर्शन से,
प्रशिक्षण, अभ्यास और समुचित मार्गदर्शन से कलाएं निखरती हैं। जितना अभ्यास करोगे, मार्गदर्शन है और प्रशिक्षण है, इससे कलाएं क्या निखरती हैं। यद्यपि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन अत्यधिक पुराना है, सर्वाधिक पुराना है, लेकिन क्रियात्मक रूप में लोक प्रशासन उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास है। मानव सभ्यता के इतिहास के बराबर ही लोक प्रशासन पुराना है, लोक प्रशासन प्राचीन है। अपने क्रियात्मक रूप में लोक प्रशासन एक कला है। क्रियात्मक रूप में लोक प्रशासन क्या है? एक कला है। लोक प्रशासन अर्थात कैसे है कला? अर्थात समुद्रगुप्त जितने भी राजा हुए हैं, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, अकबर, बिस्मार्क, अशोक और कृष्णदेव जैसे प्रतिभाशाली प्रशासकों ने, ये सब प्रतिभाशाली प्रशासक थे, इन प्रशासकों ने यह सिद्ध किया कि प्रशासन संचालन एक कला है। प्रशासन का संचालन करना एक कला है। कला क्रियान्वयन पर आधारित होती है। कला को क्रियान्वित किया जा सकता है। कला क्रियान्वयन पर आधारित होती है। समस्त प्रकार के साधन, कौन कौन से साधन हैं? समस्त प्रकार के साधन जैसे मशीन, धन, तकनीक, कच्चा माल, उपकरण इत्यादि के समुचित उपयोग के द्वारा कला को निखारा जा सकता है। समुचित उपयोग के द्वारा यदि इनका क्रियान्वयन किया जाए तो कला को लिया जा सकता है। मानव संसाधन अथवा कार्मिक या श्रमिक कुशलता पूर्वक इन उपकरणों के द्वारा अपने कार्यों को जो संपादित करते हैं वह भी उनकी एक कला है। जितने भी कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत दिए गए हैं, जितने भी कार्य लोक प्रशासन में समाहित हैं, इन कार्यों को संपूर्ण करने के लिए जो कार्मिक कार्य कुशलता से कार्य करते हैं वो उनकी कला है। कार्य को पूर्ण करना कार्य कुशलता पूर्वक एक कला ही है और लोक प्रशासन के सभी कार्यों को समय पर और कार्य कुशलता से पूर्ण किया जाता है, तो ये लोक प्रशासन की एक कला है। मनुष्यों का प्रबंध करना भी एक कला है। यदि प्रशासक उसके कार्मिकों का प्रबंध करता है, उसके कार्मिकों के कार्यों को निष्पादित कराता है, तो ये भी उसकी एक कला है। एक संगठन में, उदाहरण के लिए, एक संगठन में अनेक अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। अधिकारी आते भी हैं और स्थानांतरित होकर चले भी जाते हैं, परंतु ये एक प्रशासक की ही कला है कि वे किस प्रकार अपने कार्मिकों से उनके कार्यों को समय पर और पूर्ण निष्ठा से कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न करा सके। कई अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। कार्य पूर्ण कार्मिकों के द्वारा किए जाते हैं। कुछ प्रशासक ऐसे आते हैं जो बिना डंडे, बिना प्रलोभन के सभी कार्यों को कार्मिकों के द्वारा पूरा करा लेते हैं, कार्मिकों के द्वारा संपूर्ण करा लेते हैं, निष्पादित करा लेते हैं। ऐसे कार्य जिन कार्यों से पूर्व के अधिकारी निराश हो चुके थे, ऐसे कार्य कुछ प्रशासक और अधिकारी उन्हीं कार्मिकों से पूरा करा लेते हैं जिनसे कि पूर्व के अधिकारी निराश हो चुके थे, तो यह भी एक कला है। ये उन अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की एक कला है कि कार्यों को किस प्रकार पूर्ण कराए जाएं। धन वस्तु और मशीन के प्रबंध से मानव संसाधन का प्रबंध अधिक महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन का प्रबंध क्या है? अधिक महत्वपूर्ण है। धन है, मशीन है और वस्तु है, लेकिन मानव संसाधन जो हैं, जो कार्मिक हैं, जो कार्यालय में काम कर रहे हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति किससे होगी? उनके सामूहिक प्रयासों से होगी। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा उनके सामूहिक लक्ष्यों से। संगठन
के कार्यों को पूर्ण किया जाएगा उनके प्रयासों से, और इसमें समुचित निर्देशन एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि उन पर समुचित नियंत्रण निर्देशन उनको समुचित निर्देशन दिया जाएगा तो कार्य समय पर पूर्ण किए जा सकते हैं। सभी कार्मिक कार्यों को समय पर पूर्ण कर लेंगे। आठवें टीट के अनुसार एक विद्वान हुए आठवें टीट के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास मिलना, प्रशासन एक सुंदर कला है। प्रशासन क्या है? एक सुंदर कला। इन्वर्टेड कॉमास बंद। आठवें टीट के अनुसार प्रशासन एक सुंदर कला है। अब ये प्रशासन एक सुंदर कला कैसे हुई? प्रशासन एक सुंदर कला इसलिए है क्योंकि प्रशासन के सभी कार्यों को कार्मिकों के द्वारा कार्यकुशलतापूर्वक समय पर पूर्ण किया जा रहा है। तो ये कार्मिकों की कला है कि वो किस प्रकार इन कार्यों को समय पर पूर्ण करते हैं, समय पर पूरा करते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर उर्विक के अनुसार प्रोफेसर एल उर्विक ने लोक प्रशासन के विज्ञान संबंधी पक्ष को भी चित्रित किया था। मतलब एल उर्विक ने विज्ञान संबंधी पक्ष को भी चित्रित किया था और कला के पक्ष को भी चित्रित किया है। विज्ञान संबंधी पक्ष को क्या कहा था उन्होंने कि लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी प्रकार उन्होंने कला के लिए कहा कि जिस प्रकार कार्मिक अपने कार्यों को संपादित करते हैं, कार्यों को पूरा करते हैं अपने कार्य कुशलता के अनुसार, वो उनकी कला है। कार्य को पूर्ण करने की भी एक कला होती है जो लोक प्रशासन में विद्यमान है, जो लोक प्रशासन में देखी जा सकती है। उनके अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लेना, अन्य कलाओं की भांति प्रशासन कला को खरीदा नहीं जा सकता। जिस प्रकार अन्य कला कौन कौन सी थी? नृत्य कला, वास्तुकला, संगीत कला, लेखन कला, वाद्य कला, इनको खरीदा नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्रशासन कला को भी खरीदा नहीं जा सकता। मतलब जो प्रशासन की कला होती है वो कला कार्मिकों के द्वारा जो कार्य पूर्ण किए जाते हैं वो उनकी कला है, जिसे खरीदा किसी भी प्रकार से नहीं जा सकता। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। उन्होंने क्या कहा? अन्य कलाओं की भांति प्रशासन कला को भी खरीदा नहीं जा सकता। इन्वर्टेड कॉमास बंद, मतलब प्रशासन कला को भी आप नहीं खरीद सकते। प्रशासन एक ऐसी कला है जो कार्मिकों के द्वारा जो कार्य संपन्न किए जाते हैं उसे माना जाता है। कार्य कुशलता से कार्यों को संपन्न करना एक कला है जो लोक प्रशासन के अंतर्गत है। इसलिए कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन एक कला है। जिस प्रकार विभिन्न कलाएं प्रयास करने से, अभ्यास करने से निखरती हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन के कार्य संपूर्ण करने से, कार्य कुशलतापूर्वक संपूर्ण करने से लोक प्रशासन की कला भी निकलती है। तो लोक प्रशासन वास्तव में एक कला है। अब ये प्रश्न उठता है कि कला किसे कहा जाए। एक प्रश्न आता है कि कला किसे कहा जाए। सामाजिक विज्ञानों में, जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, सामाजिक विज्ञानों में कला पक्ष को स्पष्ट करते हुए प्राय कुछ लक्षण या विशेषताओं को वर्णित किया जा सकता है। कुछ लक्षण या विशेषताएं ली जा सकती हैं, ऐसे लक्षण जो ये सिद्ध करें कि कला क्या है और क्या लोक प्रशासन कला है। तो ऐसे कुछ लक्षण और विशेषताएं आती हैं जिनके द्वारा ये कहा जा सकता है कि कला क्या है या लोक प्रशासन एक कला है। ये कुछ लक्षण हैं जो हम कल करेंगे।